बलौदा में लकी पेट्रोल पंप द्वारा शासन के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, गैलन व जरिकेन में भी दिया जा रहा डीजल। दरअसल आपको बता दें कि बलौदा के लकी पेट्रोल पंप के बिना ई पास के लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है, साथ ही साथ जरिकन व गैलन में डीजल दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी किए थे कि बिना ई पास के लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी लोगों को जरिकेन में डीजल भी नहीं देना है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं कई मोटरसाइकिल सवार युवकों को ऑफिस के अंदर से पेट्रोल ला कर दिया जा रहा है। इस पंप में एक युवक के द्वारा लगभग 15 लीटर का जरिकेन लेकर डीजल लेने आया था, लेकिन उसे वहाँ से रवाना कर दिया गया। वहीं संचालक के भाई ने बताया कि सिर्फ कृषि कार्य के लिए डीजल दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में लॉकडाउन है, ऐसे में बिना परमिशन के यहाँ लोगों को आसानी से पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस पेट्रोल पंप संचालक के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं या ऐसे ही सांड गढ़ करके छोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ जांच की चापा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जय कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मुरादाबाद से। ये बताएंगे आज एक लकी पेट्रोल पंप आप आए हैं, किसमें पेट्रोल लेने के लिए आए हैं? ये नहीं भैया, वो डीजल में नहीं। क्या चीज़ लेकर क्या है? मोटरसाइकिल है, क्या है आपके पास? मोटरसाइकिल। अभी किसमें लेने के लिए आए हैं आप डीजल? मोटरसाइकिल में। अभी सामने में आप क्या चीज़ लेकर क्या है? ये डब्बा गैलन। कितने लीटर का गैलन है वो? पता नहीं है कितने का, नहीं जानता। किन के साथ में आओ आप गैलन लेकर के? दीपेश। तो यहाँ क्या गैलन से पेट्रोल देते हैं क्या? पता नहीं। पास वगैरह है कुछ आप लोग के पास? पता नहीं। मेरा नाम दिनेश सिंह राजपूत है। कौन से पेट्रोल पंप में कर्मचारी हैं? मैं इंडियन ऑयल लकी फ्यूल्स से है, वहाँ का मैनेजर हूँ। क्या किन किन लोगों को यहाँ पेट्रोल दिया जा रहा है आप लोग के द्वारा? वैसे तो हम लोग के यहाँ मास्क वाला तो अनिवार्य है, जो जिनका कोविड फ्रंटलाइन में ड्यूटी है, जिनकी फ्रंटलाइन में ड्यूटी है, आई पास बताते हैं उनको दिया जा रहा है ये। उसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, जैसे किसी को बुखार है और कहीं जा रहे हैं, या कोविड टीका है अभी, या वैक्सीन या टेस्ट कराने जा रहे हैं, उनके पास भी बिना पास के दे दिया जाता है हम लोग को, जो टीकाकरण के लिए अभियान में। कुछ लोगों का ऐसा भी मामला है जिसमें आप लोग डिब्बा में भी पेट्रोल देते हैं करके? सर आजकल जो अभी जो जैसा कि पानी गिरा है एक दो दिन से, उसमें खेती किसानी का कार्य चालू हो गया है, किसी को अब दो सौ तीन सौ के लिए डीजल लेना है और उनको खेती काम करना, खातू जैसे आप जानते हो कृषि कार्य में खातू वातू घर में फेंका जाता है, उन लोग को चलो उन लोग कहाँ ट्रैक्टर वैक्टर लेके आएंगे, उन लोग को दे दिया जाए। क्या शासन से ऐसा कुछ अनुमति है क्या पेट्रोल को उनको डिब्बा में देना है करके? शासन से ऐसा अनुमति लिख के नहीं आया है, ले क्योंकि अब गांव क्षेत्र पंप है केस के किसान सेवा केंद्र पंप का ये है, इसलिए किसान लोग को विशेष याद दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा गैलन में ड्रम ले जाए, उनको नहीं दिया जाता है। वो गैलन के प्रोविजन बना